टेबल रेडी हो चुका है, साथ में टेबल भी। एक टेबल हो गया डाइनिंग टेबल, एक कुर्सी हो गया, चार कुर्सी। कुर्सी का साइज रखिएगा, बयालीस इंची रहता है, 40 इंची रख देंगे, पौवा छोटा था। अरे नीचे से डीप रखिएगा 18 इंची पे। इसका हाइट 18 इंची पर रखिएगा बैठने वाला। इसका कुंदाई जो होगा आपका सो 10 इंची, 10.5 इंची पर कुंदाई होगा। अरे 8 इंची यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रहना चाहिए ये एरिया। 3 इंची का पटिया आता है जो चारों साइड लेवल में आ जाता है। टेबल का जो अंदर का जो भाग होता है 16x16 का आएगा। जिसे सोफा बनाते हैं सेम उसी तरह ये बनाना पड़ेगा। सिर्फ पौवा यहाँ पर खाचा होगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये पटिया का जो एक गैप जो रहता है वो 3 इंची, 3 सूत्र भी रख सकते हैं और 3 इंची भी रख सकते हैं। ये अंदर का जो फर्मा है 3 फीट रखिएगा, 3x3 का। अरे जो डाइनिंग टेबल का जो ये हाइट है देखिए 29, सवा 29 है तो थोड़ा जमीन पे वहाँ पर धंसा हुआ है, टेप नहीं पहुँच रहा है। 29.25 रखिएगा। और जो नीचे का जो है कुंदाई जो होगा उसका लेवल वो आपका 3 इंची कुंदाई होगा। और ए वाला जो पाटिया जाएगा आपका जो 6 इंची का जो बनेगा सो ये 5.25, 6 इंची रहेगा, लेकिन उसका अंदर जाएगा वो 6 इंची ये भी रहेगा। इसी में राउंड करके आप डाल सकते हैं। और इसका पोजीशन जो वहाँ से लेके यहाँ तक है ये 14 इंच रखिएगा, 14 इंच, 15 इंच टेढ़ा करके नाप करके देख लीजिए। ये 1.5 फीट में रहेगा, लेकिन 15 इंच रख करके इसका चूल बना करके डाल सकते हैं। सामने का नकाशी है, पूरा शीशम का है, फुल शीशम। और एक चीज़ और है, इसका जो लेवल आप लोग जो देखते हैं जो बाहर बहुत नए नए जो मिस्त्री रख देते हैं, इसका लेवल इधर सामने से इधर रहना चाहिए लेवल, अंदर से डीप में चाहिए। सिंगल पौवा का डाइनिंग टेबल है, इसका टॉप रख दे रहा हूँ। ये टॉप लगा दिया हूँ राउंड में, 4x4 का टॉप है। और इसका जो पट्टिया जो है सो 1.5 इंच किया हूँ, अंदर से देख लीजिए।
एक 1.5 इंची का पटिया है, राउंड करके सिंगल घुमा दिया हूँ। अब इस पे कलर होगा तो फाइनल फोटो डाल दूंगा कलर होने के बाद, तो इसी तरह मैं डाल सकता हूँ।